नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे हरितमा अमृत वन जो ऐप डेवलप किया गया है, जहां पर आपको पौधारोपण वृक्षारोपण किए गए पौधों की संख्या को यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या अपलोड करना है। तो उस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके इसको हरितमा अमृत वन करके ऐप जब सर्च करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग अलग करके बना दिया गया है, विभाग द्वारा बना दिया गया है। सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा ऐप लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करवाया गया है। लॉगिन नाम दर्ज करें और पासवर्ड दर्ज करें। तो जैसा कि विभाग द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल से लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है UNN@BSA जो कि बेसिक शिक्षा विभाग का है। और उसके बाद में जो पासवर्ड है forest@123 करके डिज़ाइन किया गया है, तो इसको हम डाल लेंगे, जिससे कि बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी वृक्षारोपण किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बढ़िया ऐप है, अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लिखा है कि स्थान चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर देशांतर और अक्षांश ऑटोमेटिक ले लेता है कि आप किस लोकेशन का यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया हुआ है, एक पौधा लगाया हुआ है, तो उस पौधे की फ़ोटो साथ में खुद की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। और ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा, उसके बाद में सही का निशान बन के आ जाएगा। आपको क्लिक करना रहेगा, जैसे देख लीजिए सही का निशान बन के आ गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे भरनी है, ग्राम पंचायत जैसे है ग्राम पंचायत आप डाल दीजिए। उसके बाद में तहसील का नाम बांगरमो डाल दीजिए, फिर जो ब्लॉक का नाम है उसको भी आप बांगरमो डाल दीजिए, फिर आप नया जो ग्राम पंचायत माड़ापुर हो गया। उसके बाद लिखा है स्थल का नाम, स्थल का क्या नाम है कि आप कहाँ पर वृक्षों का रोपण कर रहे हैं, तो आप उस स्थान का यहाँ पर वर्णन कर दिए। जैसे ये प्राथमिक विद्यालय मुड़ेरा में पौधे लगाए गए हैं तो उसका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। इसके बाद में लिखा है रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या, तो यहाँ मिनिमम 20 पौधे हैं, मतलब आप उसके नीचे संख्या डालेंगे तो ये लेगा नहीं। देख लीजिए मैं यहाँ पर 8 डाल रहा हूँ लेकिन ये लेगा नहीं। इसके बाद में रोपित किए जाने वाले प्रजातियों का नाम कि कौन कौन से पौधे आप अपने विद्यालय में जो 20 पौधे लगा रहे हैं, कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने नींबू लगाए हैं और इस तरीके से कई सारे पौधे हैं, नींबू हो गया, अनार हो गया, नीम हो गया और अमरूद का पेड़ हो गया। इसके अलावा एक दो पौधे और हमने लगाए हुए हैं, उनका हम यहाँ पर जिक्र कर देंगे और डाल देंगे। इसके बाद में सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम है वो भी आप डाल सकते हैं। और लास्ट वाले में सिंचाई की व्यवस्था, यहाँ पर क्लिक करके इसको सबमिट करवा दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर 20 संख्या से नीचे डाली थी तो इसलिए वो सबमिट नहीं हो रहा। यहाँ पर आप 20 संख्या कम से कम डालिए ही डालिएगा। तो 20 डालने के बाद में आप 21 डाल दीजिए, 22 डाल दीजिए, लेकिन कम से कम 20 पौधे आपको कहीं पर लगाने ही हैं, तभी इस ऐप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप रिपोर्ट जब देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस तरीके से आपके विद्यालय का नंबर एक पर दिखाएगा। बाकी जितने भी विद्यालयों में वृक्षारोपण किया गया उनकी भी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आराम से रजिस्ट्रेशन या अपलोड जो है पौधों की संख्या और वृक्षारोपण यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।